नमस्कार पोस्ट में देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। मोदी सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध भले ही थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पर सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के तहत जो अब सेना में बहाली की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में जो सेना में बहाल होना चाहते हैं अभ्यर्थी, उनसे तमाम तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। वहीं इसको लेकर के अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरे में लिया। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से अग्निपथ स्कीम को लेकर के एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि अग्निवीरों की जाति इसलिए पूछी जा रही है ताकि बाद में जो सबसे बड़ी जातिवादी संगठन, यानी उन्होंने आरएसएस की चर्चा की है, जो सबसे बड़ी जातिवादी संगठन आरएसएस है, वो जाति के आधार पर बाद में अग्निवीरों की छटनी करे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके अग्निपथ योजना के तहत जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर मोदी सरकार को क्या कुछ लिखा है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये कहा है कि जात ना पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है और देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। दरअसल आपको बता दें कि सेना बहाली की इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों से जाति प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। अग्निपथ स्कीम का फॉर्म भरने वाले आवेदक भी जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने से हैरान है। वहीं इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर एक बार फिर से अग्निपथ योजना को लेकर के सरकार पर जमकर हमला बोला। हालांकि जिस तरीके से अग्निपथ योजना का विरोध बिहार में व्यापक तरीके से देखा गया, छात्रों के द्वारा भी काफी प्रदर्शन देखा गया, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार इस कोशिश में लगी रही कि मोदी सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कई बार सरकार पर अग्निपथ योजना को लेकर के हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि अभी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, तमाम तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चालू है। बिहार में भी कई जगहों पर अग्निपथ योजना के तहत बहाली प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अग्निपथ योजना के तहत जो बहाली प्रक्रिया है उसमें दस्तावेज के तौर पर जाति प्रमाण पत्र की मांग की गई है, जिसके बाद अब फिर से सियासत होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया है कि जाति प्रमाण पत्र का आधार क्या है। जाति प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जा रहा है ताकि बाद में आरएसएस संगठन के द्वारा जो अग्निवीर है उनको जाति के आधार पर छटनी की जा सके। बहरहाल ये देखने वाली बात होती है कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर के अब बिहार में सियासत किस तरीके से गर्म होती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।